हम अभी हैं इस आंदोलन स्थल पे। हमारे बीच दीपक कर्मा जी हैं, श्री महेंद्र कर्मा जी के सुपुत्र हैं और वो इस आंदोलन के बारे में अपनी अपना राय व्यक्त कर रहे हैं। तो हम सीधे दीपक कर्मा जी से पूछना चाहेंगे कि दीपक भाई बताएं इस आंदोलन के बारे में थोड़ा सा हमको जानकारी दें और कैसे इतने सारे लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं और क्या चाहते हैं ये बात हमें बताएं। पूरा दंतेवाड़ा जिला, बीजापुर जिला और सुकमा जिला के जो लोग हैं वो नंदीराज जो पहाड़ी है वो हमारा देवस्थली है और देवस्थली मतलब देव वहाँ से पैदा हुआ, वो हमारे आस्था से जुड़ा हुआ, यहाँ के सारे ट्राइब्स के आस्था से जुड़ा हुआ चीज और उसको हम आज चूंकि 1964 में या 64 के बाद NMDC के साथ जो MOU हुआ या उनको जो लीज दिया गया है वो अनजाने में दिया गया है, वो जानकार नहीं थे इसीलिए उनको दिया गया। चूंकि हम यहाँ NMDC भारत सरकार का एक उपक्रम है और हम लोग देखते हैं कि माइंस एरिया होने के वजह से हम लोगों को थोड़ा सा एक उम्मीद रहता है कि हमारे क्षेत्र के लोग पहले दंतेवाड़ा, फिर बीजापुर, सुकमा, फिर जगदलपुर, फिर रायपुर, छत्तीसगढ़ के लोगों को महत्व दिया जाएगा, उनको प्राथमिकता दी जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और आज भी NMDC के द्वारा हमेशा एक सौतेला व्यवहार इस क्षेत्र के लोगों के साथ, यहाँ के युवाओं के साथ, यहाँ की माताएं बहनें जो पढ़ी लिखी हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग अनपढ़ लोगों को यहाँ पे बुलाया जाता है, यहाँ पढ़े लिखे लोग हैं, आज टेक्निकल के क्षेत्र में भी बहुत ज्यादा प्रोग्रेस है। और NMDC चूंकि उसका प्रोडक्शन नहीं कर पा रहा है और नया एक डिपॉजिट 13 को ओपन करना चाहता है और इस बात की जानकारी जब इस क्षेत्र के लोगों को जब पता चला और जहां पे हमारा देव स्थल है उसको तहस नहस करेंगे केंद्र सरकार के द्वारा, नरेंद्र मोदी जी ने ये डिसीजन लिया, चूंकि नरेंद्र मोदी जी को वो सपोर्ट करते हैं अदानी जी, इसी वजह से उनको ये कहीं ना कहीं से पता चल गया और आज जो CMD बने हैं हमारे NMDC के और भारत के वो छत्तीसगढ़ के डर के IAS हैं और उनका सिर्फ और सिर्फ CMD बनने के पीछे एक ही उद्देश्य है कि वो यहाँ के पूरे माइंस, चाहे वो किरंदुल का हो, चाहे बचेली का हो, चाहे 11B हो, वो सबको प्राइवेटाइजेशन करना चाहते हैं, ये उनकी मंशा है, इस मंशा को हम पूरी होने नहीं देंगे। और क्योंकि ये मेरा क्षेत्र है, मेरे लोग हैं और मेरे देवी देवताओं के साथ खिलवाड़ किया जाएगा, उसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं और यहाँ के युवाओं भी ये बात आ गई है कि अब आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, अब वो जो माइंस हमने डिपॉजिट 13 उसको कैंसिल करें और अभी तत्काल प्रभाव से यहाँ पे काम रोके। कर्मा जी, हम ये जानना चाहेंगे, आप बस्तर टाइगर के पुत्र हैं और बड़े आशा और विश्वास के साथ कह रहे हैं कि खुदाई हम तब तक चालू नहीं करवाने, वहाँ खुदाई बंद ही करवाएंगे, खुदाई करने नहीं देंगे करके, मगर सरकार ये कहती है कि ये सारी जो प्रक्रिया है आप लोगों ने ही, यानी वहाँ जनता का अदालत लगाया गया या पंचायती प्रक्रिया में एक खान को प्राप्त करने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है वो प्रक्रिया हमने अपनाई है और आप लोगों के जनप्रतिनिधि ही उनको खोदने का अधिकार प्रदान किया है। इस संबंध में हमेशा NMDC के द्वारा हम सभी लोगों, पूरे जनप्रतिनिधियों को नहीं बुलाया जाता, जो उनके करीबी हैं, जो उनके दलाली करते हैं, NMDC के कर्मचारी मतलब जो प्रबंधन के जो लोग हैं, वो चाहे किरंदुल की बात कर लें, चाहे बचेली की बात कर लें, ये हमेशा उन लोगों को कभी नहीं बुलाता जो NMDC के एक्चुअल चीजों पर डिस्कस कर सके, एक्चुअल चीजों के बारे में वो अपनी बात रख सके, इन्होंने कभी ऐसा नहीं किया। ये सिर्फ आसपास के अनपढ़ लोगों को, सरपंच को बुला लेते हैं, पंच को बुला लेते हैं और लालच देकर इन्होंने फर्जी तरीके से ये ग्राम सभा का आयोजन किया जाता है, इसका विरोध है। और अभी जो हुआ है डिपॉजिट 13 के लिए, ये भी फर्जी तरीके से वो ग्राम सभा का आयोजन किया गया है। धन्यवाद कर।